हिमाचल प्रदेश में आज चुनाव है। कुल 50,25,000 मतदाता 337 उम्मीदवार की किस्मत का फैसला करेंगे, जिनमें से 19 महिला उम्मीदवार हैं। बीजेपी सीएम कैंडिडेट प्रेम कुमार धूमल सुजानपुर और कांग्रेस के मौजूदा सीएम वीरभद्र सिंह अर्की विधानसभा सीट से मैदान में हैं। वीरभद्र सिंह ने शिमला रूरल सीट अपने बेटे के लिए छोड़ी है। हिमाचल चुनाव पहले ऐसे चुनाव हैं जिनमें 100% वीवीपैट का इस्तेमाल होगा। 8 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक वोटिंग होगी। 68 विधानसभा सीटों के लिए आज मतदान होगा। इसमें 337 उम्मीदवार मैदान में हैं और पूरी तरीके से आज वीवीपैट का इस्तेमाल किया जाएगा चुनाव के लिए, मतदान के लिए। चुनाव में 180 से ज्यादा निर्दलीय और कांग्रेस के एक दर्जन से ज्यादा बागी मुकाबले में मौजूद हैं जो उम्मीदवार हैं। इसके अलावा आपको बता दें कि बीजेपी और कांग्रेस की सीधी सीधी टक्कर तो हो ही रही है, लेकिन बसपा भी 42 सीट पर यहां पर चुनाव लड़ रही है। स्वाभिमान पार्टी और लोक गठबंधन पार्टी भी 6-6 सीटों पर चुनावी मैदान में हैं। 68 विधानसभा की सीटें हैं जहां पर कांग्रेस के पास 35 और बीजेपी के पास 28 विधायक है। 4 निर्दलीय विधायक मौजूद हैं। चुनाव में 180 से ज्यादा निर्दलीय जो उम्मीदवार हैं वो मैदान में हैं। 50 लाख से ज्यादा वोटर्स अपने मत का इस्तेमाल करेंगे, 337 उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला करेंगे। हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव में आज मतदान का दिन है, जहां 50,25,000 मतदाता 337 उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला करेंगे, जिनमें से 19 उम्मीदवार महिला उम्मीदवार इस बार मैदान में हैं। इस वक्त हम शिमला के तिब्बतन स्कूल में मौजूद हैं और अगर मुकाबले की बात की जाए तो कांग्रेस की तरफ से वीरभद्र सिंह अर्की विधानसभा सीट से हैं। उन्होंने अपने बेटे विक्रमादित्य के लिए शिमला रूरल सीट छोड़ी है। और अगर बीजेपी के कैंडिडेट सीएम कैंडिडेट प्रेम कुमार धूमल की बात की जाए तो वो सुजानपुर से अब की बार मैदान में हैं। हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव ऐसे पहले विधानसभा चुनाव है जिनमें 100% यानी हर वोटिंग मशीन के साथ वीवीपैट मशीन लगाई गई है, यानी वोटर वेरीफाइड पेपर ट्रेल मशीन, यानी मतदाता जब मत डालेंगे तो उन्हें पता चलेगा कि उनका वोट आखिर किस पार्टी को गया है, उसका चुनाव सिंबल उनको वीवीपैट मशीन में दिखाई देगा, हालांकि वो पर्ची वो बाहर नहीं ला सकेंगे। पवन नारा, जी मीडिया, शिमला।